नवी मुंबई में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ अब नवी मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 299 तक पहुंच चुका है। आंकड़ों के अनुसार आज जिन विभागों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए उनमें शामिल है नेहरू से 6, वाशी से 3, तुरभे से 4, कोपेखेंडे से 8, घनसोली से 12, एरोली से 3 और दिघा से 3। बता दें कि कोपेखेंडे सेक्टर 12 एक रहवासी और थाने में क्रिटिक केयर अस्पताल का 43 वर्षीय डॉक्टर आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोपेखेंडे सेक्टर 12 का रहवासी और एपीएमसी दारा मार्केट में अकाउंटेंट का काम करने वाले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से उसका 28 वर्षीय भाई भी आज कोरोना संक्रमित पाया गया। कोपेखेंडे सेक्टर 15 का रहवासी और एपीएमसी दाना बाजार में मजदूर का काम करने वाला एक 32 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एरोली सेक्टर 20 के रहवासी और मुंबई गोरेगांव में पुलिस कांस्टेबल के तौर पे कार्यरत एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से उन्हीं के परिवार के 75 वर्षीय पिता और 45 वर्षीय पत्नी आज कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दिघा नामदेव नगर का रहवासी और कोरोना पॉजिटिव मृत व्यक्ति के संपर्क में आने से उन्हीं के निकटवर्ती 46 वर्षीय और 48 वर्षीय पुरुष और 65 वर्षीय महिला कुल मिलाकर 3 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोपेखेंडे सेक्टर 4 का रहवासी और नवी मुंबई महानगर पालिका बहुद्देशीय इमारत में सेवक के तौर पर कार्यरत एक 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दिवागांव सेक्टर 9 का रहवासी और मुंबई ट्रैफिक विभाग में कार्यरत कोरोना पॉजिटिव ट्रैफिक पुलिसकर्मी के संपर्क में आने से एक 29 वर्षीय उनका बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली सेक्टर 9 का रहवासी और कोरोना पॉजिटिव फार्मेस्ट के संपर्क में आने से उनके ही परिवार के 44 वर्षीय उनकी पत्नी, 20 वर्षीय और 17 वर्षीय दो लड़कियां और 16 वर्षीय एक बेटा और इंदिरा नगर में मेडिकल दुकान में कार्यरत और उन्हीं के साथ रहने वाला एक 28 वर्षीय व्यक्ति कुल मिलाकर परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वही घनसोली सेक्टर 9 का रहवासी एवं एपीएमसी सब्जी मार्केट में कार्यरत 44 वर्षीय व्यापारी भी आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली सेक्टर 5 का रहवासी और मुंबई महानंद डेयरी में पर्यवेक्षक के तौर पर कार्यरत 46 वर्षीय व्यक्ति आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। घनसोली सेक्टर 16 का रहवासी एवं मुंबई जेजी अस्पताल में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सेक्टर 23 का रहवासी और कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने से उन्हीं के परिवार के 40 वर्षीय उनकी पत्नी, 14, 12 व 10 वर्षीय लड़कियां कुल मिलाकर परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वाशी सेक्टर 31 ए आसाम भवन में पत्नी के इलाज के लिए आए एक 43 वर्षीय व्यक्ति भी आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वाशी सेक्टर 14 का रहवासी और एपीएमसी दाना मार्केट में कार्यरत 66 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तुरभे सेक्टर 21 का रहवासी और मुंबई चेंबूर में मेडिकल स्टोर में कार्यरत 28 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तुरभे इंदिरा नगर की 35 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये महिला अपनी बेटी के इलाज के लिए मुंबई परेल स्थित वाडिया अस्पताल में गई थी। उपचार के दौरान टेस्ट किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सानपाड़ा सेक्टर 16 का रहवासी 25 वर्षीय युवक आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सानपाड़ा सेक्टर 5 का रहवासी वृत्त वाहिनी में कैमरामैन के तौर पर कार्यरत कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए उनके 21 वर्षीय सहकारी और नेहरू सेक्टर 15 के रहवासी 36 वर्षीय उनके सहकारी का भी आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाया गया। वाशी सेक्टर 26 का रहवासी और एपीएमसी सब्जी मार्केट में सेल्समैन का काम करने वाला एक 41 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नेरुल एमआईडीसी महात्मा गांधी नगर की 35 वर्षीय घर काम करने वाली एक महिला का आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। नेरुल सेक्टर 11 की रहवासी और तेरना अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर कार्यरत एक 32 वर्षीय महिला का टेस्ट रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव पाया गया। शिरौने गांव की कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए उनके 57 वर्षीय पति का भी आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। शिरौने गांव का रहवासी और धारावी बस डेपो में कार्यरत 36 वर्षीय बस कंडक्टर का आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। तलवली गांव की कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए एक 31 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नौसिल नाका के रहवासी 14 वर्षीय लड़की और 12 वर्षीय लड़का, ऐसे 2 लोगों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। उनके माता पिता नेरुल के हॉस्पिटल में ठेका कामगार के तौर पर कार्यरत हैं। गोठीवली की 19 वर्षीय एक युवती का आज कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। वहीं जूही नगर सेक्टर 24 का रहवासी एवं मुंबई बीकेसी स्थित वेजिटेबल होलसेलर के तौर पर कार्यरत
एक 54 वर्षीय व्यक्ति को डायबिटीज ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। वह 15 अप्रैल से घर पे थे। 2-3 दिन दवा न लेने के कारण उन्हें चक्कर आया और सीने में दर्द की शिकायत भी हुई। उस व्यक्ति ने घर के करीब डॉक्टर से दवा ली, मगर 30 अप्रैल को सुबह नींद में ही उस व्यक्ति का अचानक निधन हो गया। डीवाई पाटिल अस्पताल में टेस्ट किया गया तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव था। फिलहाल नवी में महानगर पालिका द्वारा नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो कुल कोविड 19 टेस्ट जांच की संख्या 3,745 तक दर्ज हुई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव केस 2 मई 2020 को दर्ज हुए हैं, वो है 39। कोरोना की कुल पॉजिटिव केस 299, कोरोना कुल नेगेटिव केस 2,568, रिपोर्ट प्रलंबित 888, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की संख्या 47, 2 मई 2020 कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की संख्या 5, कंटेनमेंट क्षेत्र 66 और कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा 6 तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क। पनवेल महानगर पालिका में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ आज पनवेल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 90 तक पहुँच चुका है। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के अनुसार अब डालते हैं एक नज़र कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आज कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए गए। कामोठे में 7, कलमबोली में 1 और न्यू पनवेल में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज पाया गया। बता दें कि कामोठे सेक्टर 7 में एक 23 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि इस युवक के पिता बृहन मुंबई महानगर पालिका में सफाई कामगार के तौर पर कार्यरत हैं, जो पहले कोरोना संक्रमित थे, उन्हीं के संपर्क में आने से इस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हुआ। कामोठे सेक्टर 19 के एक 32 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये महिला मुंबई सेंट जॉर्ज अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर कार्यरत है। वहीं कामोठे सेक्टर 21 में एक ही परिवार के 33 वर्षीय एक महिला, 7 और 1 साल का एक बच्चा, कुल मिलाकर 3 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि इस परिवार के प्रमुख मुंबई गोवर्धन स्थित USV फार्मा कंपनी में कार्यरत हैं। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हीं के संपर्क में आने से परिवार के 3 अन्य लोग भी आज कोरोना संक्रमित पाए गए। कामोठे सेक्टर 11 में एक 32 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस महिला के भाई बृहन मुंबई महानगर पालिका में सफाई कामगार के तौर पर कार्यरत हैं। कामोठी सेक्टर 34 में 36 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति मुंबई गोवंडी स्थित USV फार्मा कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। कलमबोली सेक्टर 4 में एक 35 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस व्यक्ति का भाई मुंबई में पुलिस कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। न्यू पनवेल सेक्टर 17 में एक 22 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यह महिला साइन अस्पताल में ब्रेन के इलाज के लिए गई थी। राहत भरी खबर आज पनवेल से ये भी है कि पनवेल टक्का से 2 व्यक्ति आज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं पनवेल की एक महिला और न्यू पनवेल का एक पुरुष भी कोरोना मुक्त होकर आज उन्हें डिस्चार्ज। जरूरी सूचना, पनवेल महानगर पालिका आयुक्त गणेश देशमुख ने ये स्पष्ट किया है कि 4 मई को पनवेल बंद नहीं किया गया है। ऐसे कोई भी आदेश सरकार या महानगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो न घबराएं। चलिए तो अब चलते हैं और दौड़ाते हैं आंकड़ों पर नजर। आज कुल कोविड 19 टेस्ट जांच की संख्या पनवेल में 1010 तक पहुंच चुकी है। कुल कोरोना के पॉजिटिव केसेस 90, कोरोना के एक्टिव केसेस 56, कोरोना रिपोर्ट प्रलंबित 64, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 181 तक पहुंच चुका है। 2 मई 2020 के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शामिल है कल्याण पश्चिम का एक 35 वर्षीय व्यक्ति, आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति मुंबई के सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी है। कल्याण पूर्व का एक और 34 वर्षीय रहवासी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति मुंबई के सरकारी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी है। वहीं मांडा टिटवाला में आज 32 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं मुंबई में कार्यरत कल्याण पश्चिम का एक 33 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुंबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत कल्याण पूर्व का 36 वर्षीय पुरुष आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए कल्याण पूर्व का एक 48 वर्षीय पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टिटवाला पूर्व में एक 50 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। टिटवाला पूर्व में ही एक 39 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये व्यक्ति मुंबई में पुलिस कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है। कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आई टिटवाला पूर्व की एक 29 वर्षीय महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं मुंबई में कार्यरत डोंबिवली पूर्व का एक 33 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुंबई में कार्यरत डोंबिवली पूर्व का एक 53 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुंबई में कार्यरत कल्याण पश्चिम का एक 43 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अगर क्षेत्रों के अनुसार नजर दौड़ाई जाए तो कल्याण पूर्व में 37, कल्याण पश्चिम में 24, डोंबिवली पूर्व में 61, डोंबिवली पश्चिम में 43, मांडा टिटवाला में 10, मोहनी में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं। वहीं आंकड़ों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 181 बनी हुई है। वहीं आज कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या 60, कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा 3 और कोरोना का इलाज ले रहे नागरिकों की संख्या 118 है। आज सबसे अच्छी खबर ये रही कि 9 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। ठाणे महानगर पालिका कार्य क्षेत्र में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 372 तक पहुँच चुका है। आज पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सबसे ज्यादा कुल 15 मरीज लोकमान्य नगर सावरकर नगर प्रभाग समिति में पाए गए। सबसे चिंताजनक बात ये रही कि ठाणे महानगर पालिका के लोकमान्य नगर सावरकर नगर प्रभाग समिति में अब तक सबसे अधिक अर्थात कुल 78 कोरोना मरीज पाए गए। ठाणे महानगर पालिका प्रभाग समिति के अंतर्गत कोरोना मरीजों की संख्या पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो माजीवाड़ी मानपाड़ा प्रभाग समिति में 23, वर्धक नगर प्रभाग समिति में 30, लोकमान्य नगर सावरकर नगर प्रभाग समिति में 78, नौपाड़ा कोपरी प्रभाग समिति में 43, उत्थलसर प्रभाग समिति में 36, बागले प्रभाग समिति में 65, कलवा प्रभाग समिति में 33, मुमरा प्रभाग समिति में 55 और दिवा प्रभाग समिति में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 372 तक पहुंच चुकी है। वहीं 2 मई 2020 यानी आज कुल 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की संख्या आज 5 हुई है। वहीं कोरोना का इलाज कर रहे मरीजों की संख्या 283 बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। रेड जोन में आए ठाणे जिला के अंतर्गत आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज का दिन बेहद राहत भरी खबर लेकर आया। आज मीरा भाईंदर में रिकॉर्ड तोड़ 56 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए, जिसे मिलाकर आज मीरा भाईंदर में कुल 101 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव की संख्या अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत 101 और एक्टिव केसों की संख्या 57 तक पहुँच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।